अब देखो सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, पहले मैं इसको अच्छे से समझेंगे फिर एपिथीलियम। अब देखो ये भी बहुत आसान है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलोमनर एपिथीलियम जो लास्ट वाला है इसमें अपने को क्या करना है। सबसे पहले बेटा अपन ने बनाया, ये याद रखिएगा, सबसे पहले ये मैंने बना दिया सीटी कनेक्टिव टिश्यू, इसके ऊपर मैंने पतला पतला बना दिया क्या बोलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमने बना दिया कॉलोमनर। अब सुनो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बनेगा एपिथीलियम, क्या बनेगा तो एपिथीलियम सेल जो होती है वो भी कॉलोमनर ही है, मतलब कॉलम शेप, कॉलोमनर मतलब है कॉलम शेप, बट जो ये वाला कॉलम है ये स्यूडो है मतलब झूठा। तो फिर सच्चाई क्या होगी, तो सुनो क्या सच्चाई होगी, ये एक बड़ी सी कॉलम सेल है, इसके जस्ट नीचे एक छोटी सी है, फिर एक बड़ी है, फिर छोटी सी है, फिर एक बड़ी है, फिर छोटी सी है, फिर एक बड़ी है, फिर छोटी सी है, फिर एक बड़ी है। तो ये सब कॉलुमनर सेल ही है, ये भी कॉलुमनर सेल है और ये भी कॉलुमनर सेल है, दोनों कॉलुमनर सेल है बेटा, ये भी कॉलुमनर सेल है, ये भी कॉलुमनर सेल है, बट अपने को दो नहीं एक ही दिखाई देती है बड़ी वाली, क्योंकि जब आप इधर से देखोगे ना तो छोटी वाली जो है क्या हो जाती है दब जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है कि एक है लार्ज वाली सेल और एक है स्मॉल वाली सेल। लार्ज वाली सेल का जो न्यूक्लियस है इन सेंटर, सॉरी लार्ज वाले सेल का जो न्यूक्लियस है इसके बेस में होता है, तो लार्ज वाले का न्यूक्लियस इसके बेस में बना दो, जो छोटी वाली है इसका न्यूक्लियस इसके सेंटर में होता है। लार्ज वाले सेल का न्यूक्लियस सेल के बेस में होता है और छोटी वाली स्मॉल वाली सेल का न्यूक्लियस उसके सेंटर में होता है, इसके बेस में, इसके सेंटर में, इसके बेस में, इसके सेंटर में, इसके बेस में, इसके सेंटर में, इसके बेस में। तो हमको ऐसा लगता है कि इनका न्यूक्लियस एक लाइन से अरेंज है, समझ आया क्यों? क्योंकि देखो छोटी वाली सेल का तो ये बेस हो गया, लेकिन बड़ी वाली सेल, छोटी वाली सेल का ये क्या हो गया सेंटर वाला पार्ट हो गया, लेकिन बड़ी वाली सेल का ये क्या हो गया बेस वाला पार्ट हो गया। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हम इसको इसीलिए बोलते हैं कि एक्चुअल में ये स्यूडो मतलब जो हमारा कॉलोनम कॉलुमनर सेल्स होती हैं, तो एक साथ दो सेल होती है, बट हमको छोटी वाली सेल दिखाई नहीं देती, सिर्फ बड़ी वाली सेल दिखाई देती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटी मतलब लेयरिंग, कॉलुमनर मतलब कॉलम शेप, स्यूडो मतलब झूठा, समझ गए। एक्चुअल में जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलोमनर एपिथेलियम। समझ में आ गया ना, मतलब इसका मेन चीज ये याद रखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो कॉलोमनर सेल होती है, तो जो बड़ी वाली सेल होती है उसका सेंटर उसके बेस में होता है, छोटी वाली सेल का जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर में होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलोमनर एपिथेलियम। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है आपके, ये आगे बढ़ो कोई वाला पेज ला दो स्यूडो वाला, बस आ जाओ। देखो यहां से भी थोड़ा थोड़ा डायग्राम से समझ लो, देखो ये बड़ी वाली सेल का न्यूक्लियस इसके कहां है बेस में, और छोटी वाली सेल का सेंटर में, तो हमको ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस लगभग एक इक्वली है, है ना। तो चलिए हम यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ भैया, टू टाइप ऑफ सेल फाउंड इन दिस टिश्यू, लॉन्ग सेल एंड स्मॉल सेल, पहला पॉइंट, दो टाइप की सेल होती है, एक होती है लॉन्ग सेल एक होती है स्मॉल सेल, बोथ टाइप ऑफ सेल आर कॉलमनाइज शेप, दोनों सेल जो होती है कॉलम शेप होती है। उसके बाद ऑल सेल आर अटैच्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है। फिर एलोंगेटेड सेल, लार्ज न्यूक्लियस लोकेटेड एट बेस, स्मॉल सेल स्फेरिकल न्यूक्लियस लोकेटेड एट मिडिल, ड्यू टू द डिफरेंट प्लेन ऑफ द न्यूक्लियस दिस टिश्यू अपेयरेंस टू बी टू लेयर बट सेल आर लोकेटेड ऑन द सेम बेस इट इज यूनिलेयर्ड एपिथीलियम,
मतलब समझ गए ना कि मतलब रहती दो लेयर है लेकिन एक बेस में रहने की वजह से हमको यूनि लेयर दिखती है। एग्जाम्पल हो जाएगा मिडिल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, मिडिल है ना, मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा के मिडिल वाले पार्ट पे होती है, बाइल डक्ट पे होता है, ट्रैकिया पे होता है, ब्रोंकाई पे होता है। अब आप लोग आज घर जाके क्या करोगे, ये जो अपन ने चार टाइप्स के टिश्यू बताए चारों के एग्जाम्पल आप लिख दोगे, सिंपल कॉलमनर, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, एक वाइट पेज में कॉलम बना देना, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। आप यदि एग्जाम्पल बना लोगे ना तो आप कॉमन सेंस में आपको याद रहेगा, स्क्वेमस मतलब फिश लेयर वाला, क्यूबॉइडल मतलब चार कोने का ग्लैंड वाला, कॉलमनर मतलब कॉलम वाला, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब दो कॉलम, एक छोटा एक बड़ा, आसान है, याद रह जाएगा।